हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका कोड 506 ब्लॉक 12 है, बालिका सशक्तिकरण। बालिका सशक्तिकरण जो आपका है ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। मैंने जब इसका एमसीक्यू बनाया था तब भी मैंने आपसे ये चीज़ कही थी। तो चलिए, इसमें से हम क्वेश्चन आंसर कुछ स्पेशल लेके आए हैं आपके लिए, जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि बालिका सशक्तिकरण के व्यवहारिक पक्ष का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। बालिकाओं को शैक्षिक रूप से सशक्त करने में संविधान के अंतर्गत क्या प्रावधान है और प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की आपको चर्चा करना है। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं जल्दी से ये क्वेश्चन से इनके आंसर क्या क्या है। और इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे रहेगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये भी बता दूं मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा जिसमें कुछ और स्पेशल इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि सशक्तिकरण को परिभाषित करना है और सशक्तिकरण के व्यवहारिक पक्ष का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। सशक्तिकरण क्या होता है? देखिए, सशक्तिकरण का अर्थ होता है शक्तिशाली बनाना। सशक्तिकरण की जड़ में ताकत है। ताकत चार अलग अलग तरीकों से संचालित होती है। सशक्तिकरण शक्ति, और शक्ति में साथ जोड़ दिया जाए तो बलशाली, जिसे हम बोल देते हैं शक्तिशाली, शक्ति यानी ताकत, लेकिन उसमें एक और साथ जोड़ दिया जाए सशक्त के साथ, शक्ति के साथ, तो वो क्या हो जाता है? बलशाली, बलवान, शक्तिशाली। करण, करण का मतलब ही होता है जोड़ना किसी के द्वारा। तो जोड़ने का यहाँ पे मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं किसी भी काम के लिए तो वहाँ पे वो ताकत हो जाती है, यूनिटी उनकी बन जाती है, एकता उनकी बन जाती है और इससे उनमें ताकत बनती है, वही आपका कहलाता है सशक्तिकरण। तो शक्तिशाली बनाना, बलशाली बनाना, यहाँ पे जो सशक्तिकरण है आपकी, वही मैंने कहा कि जब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं उनमें एकता, उनमें यूनिटी आती है तो ऑलरेडी उनमें ताकत, जो पावर होता है वो आ जाता है। और जो ये पावर, जो ये ताकत होती है वो चार अलग तरीकों से संचालित होती है। चार अलग तरीके होते हैं इनके आने के। कौन कौन से वो तरीके हैं इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला तरीका है कि इसमें देख लेते हैं कि शक्ति प्रदर्शन, ठीक है। इसमें व्यक्तियों या समूहों के संबंध मध्य संबंधों में अधीनता या प्रभुत्व का समावेश होता है। जनरली शक्ति प्रदर्शन उस जगहों पे किया जाता है जहाँ पे हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, हमें बहुत कमजोर समझ लिया जाता है, या जहाँ पे एक उग्र स्वभाव हो जाता है वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। लोग अपनी ताकत दिखाते हैं और किस तरह से, अकेले नहीं। मैंने अभी जब जस्ट कहा आपको डिफिनेशन दी सशक्तिकरण की, कि जब बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन होता है। बहुत सारे समूह, बहुत सारे झुंड, 100, 150, 1000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मिलके जब प्रदर्शन करते हैं तो वो शक्ति प्रदर्शन कहलाता है, कि वो अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपना पावर दिखा रहे हैं। दूसरा देख लेते हैं शक्ति प्रदान। शक्ति प्रदान क्या होता है? ताकत निर्णय लेने का अधिकार देता है और समस्या समाधान के लिए देता है, सृजनशील और सक्षम हो जाता है। शक्ति प्रदान करना, मान लीजिए आप किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एक ऐसा फैमिली मेम्बर है जो कुछ करना चाह रहा है और फैमिली मेम्बर अगेंस्ट है, लेकिन आप या कुछ अदर फैमिली मेम्बर्स हैं जो उनके सपोर्ट में है, आप उनको सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब आप उनको एक ताकत दे रहे हैं, एक पावर दे रहे हैं, उनको सहायता कर रहे हैं कि ये काम तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आप उनको हौसला दे रहे हैं, आप उनको शक्ति दे रहे हैं, ये होता है शक्ति प्रदान। यदि हम इसकी बात देखते हैं जनरली एक बालिका के माध्यम से, एक गर्ल्स के माध्यम से देखें, वो पढ़ना चाह रही है, बहुत से लोग उनके अगेंस्ट हैं लेकिन कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है, तो वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उसे उसको पावर दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जनरली वहाँ पर होता है जहाँ पर पावर की बात चलती है, अधिकार की बात चलती है। कि अगर एक गवर्नमेंट आई है, आज रिजल्ट निकल रहा है, आप इलेक्शन से भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको नज़र से देख लीजिए, MP में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुत जगह जो है आज रिजल्ट निकल रहा है आपके इलेक्शन का। अब जो भी पार्टी यहाँ पे रूलिंग पार्टी बनेगी, जो भी पार्टी जीतेगी, उसको एक शक्ति मिल जाएगी, उसको एक पावर मिल जाएगा, और उसको हर एक काम करने का 5 साल तक वो रहेगी। 5 साल तक वो जो भी चाहे वो लॉ रूल्स बना सकती है, निकाल सकती है, क्योंकि उसको हमने पावर दे दी है, उसको हमने शक्ति प्रदान कर दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्निहित शक्ति। ये आत्मविश्वास, स्वज्ञान और स्वाभिमान से संबंधित होता है। अपने मन की, आत्मा की आवाज़, जनरली हम कहते हैं कोई काम करते वक्त
वक्त ना कि मुझे आज एक अपनी आत्मा से आवाज आई कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, और जनरली हम कहते हैं कि मुझे आज मेरी आत्मा ने कहा या मुझे कि नहीं ये काम तुम्हें करना है। तो कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जो हमें अपनी दिल से, आत्मा से, दिमाग से, तीनों चीजें से, बहुत से लोग कहते हैं ना कि मैं यार दिल से सोचता हूँ, उसका जो पावर का कनेक्शन है उसके दिल से। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं तो दिमाग से सोचता हूँ, मतलब उसको जो शक्ति मिलती है उसके माइंड से मिलती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार मेरी आत्मा ने इस काम के लिए मुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी, मतलब अंतर्निहित शक्तियां, जो शक्तियां कुछ होती हैं वो अपने अंदर होती हैं, उनको जागरूक करने की, जागृत करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा है आपका शक्ति युक्त। शक्ति युक्त क्या होता है? यह व्यक्तियों के को समान उद्देश्य के साथ सामूहिक लक्ष्य प्राप्त के लिए व्यवस्थित करता है। युक्त का मतलब भी होता है उपाय, यानी किसी अपने एम को, उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उपाय शक्ति के साथ किया जाए। युक्ति जब बहुत से लोग, क्या मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, आपसे बहुत ज्यादा वर्क लिया जा रहा है, एक्स वाई जेड आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वहां पे बहुत से लोग अपनी कमिटी बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, वहां पे शक्ति प्रदर्शन करते हैं। शक्ति युक्त के बाद शक्ति प्रदर्शन होता है। तो किसी लक्ष्य के लिए, किसी उद्देश्य की, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए शक्ति युक्त यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरों के ऊपर शासन करने की ताकत के विकल्प के रूप में उपरोक्त वर्णित शक्तियों के प्रकार शक्ति प्रदान करना है। तो सशक्तिकरण जो होता है, इसको चार इसकी ताकतें होती हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि सशक्तिकरण के या शक्ति के कौन से चार ताकतें होती हैं आप बताइए, या इसके कौन से चार प्रकार होते हैं, तो आपको आंसर यही लिखना होगा, शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदान, अंतर्निहित शक्ति और शक्ति युक्त। चलिए आगे देख लें, चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं कि अंतर्निहित शक्ति और शक्ति युक्त का विकास किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में सशक्तिकरण सभी प्रकार के शोषण की चुनौती को समावेश करता है, और महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का विकास जो है वो सामाजिक ताकत और संसाधनों पर नियंत्रण को महिलाओं के पक्ष में पुनः वितरित करने की प्रक्रिया के रूप में किया गया है। जनरली क्या होता है, हम देखते हैं कि सशक्तिकरण का वही उपयोग किया जाता है जहाँ पे हमें लगता है कि हमें हमारे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है वो महिला सशक्तिकरण का नहीं है, बल्कि क्वेश्चन आपका है सशक्तिकरण से। तो महिलाओं के साथ भी बहुत भेदभाव किया जाता है, घर में भी किया जाता है, और ऑफिस की तो बात ही अलग होती है। वेतन के मामले में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, समान सैलरी नहीं दी जाती है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, इन्हीं को मद्देनजर रखते सशक्तिकरण बनाया गया है। संसाधनों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, जमीन, पानी, वन, बौद्धिक संपदा। जैसे सूचना, ज्ञान, मानव संसाधन के अंतर्गत श्रम, व्यक्ति, कौशल आ जाती हैं, और वित्तीय संसाधन जैसे रुपए, पैसे और जमीन आजाद हो जाते हैं। अब देखिए संसाधन जो होते हैं, संसाधन को भी चार भागों में बांट दिया गया है। प्राकृतिक संसाधन में प्राकृतिक चीजें आ जाएंगी, आपको पता है जमीन, पानी, वन, ये सब चीजें प्राकृतिक चीजें होती हैं। फिर इसके बाद मानव संसाधन, जो व्यक्ति खुद कर सकता है काम, तो जैसे व्यक्ति हो गया, श्रम हो गया क्योंकि श्रम व्यक्ति करता है, कौशल जो कि व्यक्ति के दिमाग की उपज होती है, और वित्तीय संसाधन में रुपया और पैसे, जमीन ज्यादा आ जाते हैं। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महिलाएं इन संसाधनों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करती हैं और उन शक्ति तंत्र को जो उनके अधीन बनाता है। अब देखिए यहाँ पे चार संसाधन दिए हैं, इनमें महिलाओं को ही बताया गया है। जनरली लोग कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति का है, मानव संसाधन जो है वो मानव का हो गया। यहाँ पे औरतों के नाम पे कुछ भी चीजें नहीं होती, मानव संसाधन में पुरुष सबसे पहले आ जाता है। वित्तीय संसाधन जो होता है औरतों को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, कि प्रॉपर्टी में भी देखिए पूरा जो हक होता है लड़कों को दिया जाता है। कहा जाता है ना कि लड़के जो है वंश को आगे बढ़ाते हैं और जो प्रॉपर्टी है पूरी उनकी होगी, ये लड़कियां तो दूसरे घर चली जाती हैं, लेकिन नहीं, ला बदल चुका है। अगर आपको पता ही होगा कि जो अब ला हमारा जो बन चुका है, हमारा कानून भी कहता है, हमें हमारा संविधान ने भी हमें अधिकार दे दिए हैं कि पिता के प्रॉपर्टी में बेटियों का भी हक है, बेटियां चाहें तो अपना हक ले सकती हैं। यही है सशक्तिकरण, यही है कि हमें हमारा जो अधिकार है, हमें हमारा जो पावर है वो मिलना चाहिए। और इस प्रकार यह उनको अधिक ज्ञान की पहुंच के लिए, व्यक्तिगत मामलों में अधिक स्वायत्तता, घरेलू और राजनीतिक क्षेत्रों में ताकत को बंटवारा
करने के योग्य बनाता है। जनरली हम देखते हैं औरतों के साथ ये होता है कि वो खाना बनाती हैं और सबसे पहले जेंट्स जो घर के होते हैं उनको खाना खिलाती है, देन उसके बाद वो खाना खाती हैं, बचता है तो वो खाती हैं। हालांकि वो अब टाइम नहीं रहा, बहुत पहले की बात थी, लेकिन आजकल भी बहुत जगहों में, बहुत घरों में ऐसा होता है कि जेंट्स बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं औरतों की, उनके लिए खाना है या नहीं है वो खा लेते हैं, इसके बाद सीधे चले गए। औरतें यदि है तो आप खाओ, नहीं है तो बनाओ और फिर खाओ। ये क्या है? यही तो है, इसी चीज को तो हमें बदलना है। यही तो हमें अधिकार मिलने चाहिए, प्रॉपर्टी में हमें अधिकार मिलने चाहिए, पढ़ने के मामले में हमें अधिकार मिलने चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे औरतों को, महिलाओं को पीछे रखा गया है। अब ऐसा एक समय आ गया है जहां पे परिवर्तन होना बहुत जरूरी है और सशक्तिकरण की आवश्यकता खासतौर पर महिलाओं के लिए है। सशक्तिकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो महिलाओं की स्वतंत्रता, चुनाव करने की स्वतंत्रता और जिंदगी की सभी क्षेत्रों में समानता की ओर लक्ष्य करता है। जो जस्ट अभी मैंने बताया वही चीज यहाँ पे है, और अंततः इसके साथ महिलाएं अपने जिंदगी में परिवर्तन लाती हैं, ठीक है। और इस प्रकार सशक्तिकरण की अवधारणा बहुआयामी है। हम सशक्तिकरण को दो स्तरों पर देख सकते हैं। आप सशक्तिकरण के दो स्तर, अभी हमने देखा कि पावर के कितने स्तर होते हैं, कितने तरीके होते हैं, किन चीजों से सशक्तिकरण हासिल की जा सकती है, चार तरीकों से। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सशक्तिकरण के दो स्तर हैं। पहला स्तर है व्यक्तिगत और दूसरा है सामूहिक। व्यक्तिगत सशक्तिकरण में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल होते हैं, ठीक है ना। और सामूहिक सशक्तिकरण में सामूहिक सहमति और क्रियान्वयन शामिल है। यानी व्यक्तिगत में क्या होता है, सेल्फ जो होता है, सेल्फ सशक्तिकरण जो होता है, आप कुछ काम कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाह रहे हैं कि समाज में कुछ बुराइयां हैं उनको आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फिर लोग आपसे जुड़ रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में आप करना चाह रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आप करना चाह रहे हैं, भले लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन सिर्फ वहाँ पर आप एक ऐसे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलना है। ये हो जाता है व्यक्तिगत सशक्तिकरण। आप खुद सेल्फ शक्तिशाली बनना चाह रहे हैं, सेल्फ जो है ताकतवर बनना चाह रहे हैं, जैसे एक नेता होता है राजनीति के क्षेत्र में, ठीक है ना। अब सामूहिक सशक्तिकरण में क्या होता है कि सामूहिक सहमति होती है और क्रियान्वयन भी होता है उसमें। यानी कि जैसे समुदाय हो गए, समाज हो गए, ग्राम पंचायतें हो गई, इनमें सबकी सहमति जरूरी होती है, ठीक है। तो ये सामूहिक सशक्तिकरण होता है कि सबकी सहमति के साथ ही कोई निर्णय लिया जाए, आप अकेले वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। सशक्तिकरण की प्रक्रिया धरातल से शुरू होकर ऊपर की ओर अग्रसर होती है, ना कि कुछ ऐसा जिसे सीरस गणित रणनीति के रूप में बनाया जा सके। महिलाएं स्वयं को सशक्त बनाएं, सभी बाह्य हस्तक्षेप इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। सशक्तिकरण को किसी विशिष्ट क्रियाकलापों या अंत परिणाम के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक प्रक्रिया का समावेश होता है जहां महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपनी रुचि और जरूरतों को दूसरों के दबाव के बगैर विश्लेषण व विकास कर सके तथा अपनी आवाज उठा सके। धरातल से उच्च स्तर से सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महिलाएं स्वयं निर्धारित करती हैं उनका आवश्यकता क्या है। मतलब यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या आ गया, आप जनरली देखते हैं डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है, घरेलू जो हिंसा होती है, वो भी एक इसका मेन रीजन है सशक्तिकरण को आगे लाने का, कि महिलाएं जनरली इससे बहुत टॉर्चर होती हैं। तो जब तक महिलाओं में यूनिटी नहीं होगी, समझ नहीं होगी, वो जागरूक नहीं होगी, तब तक इन चीज़ों से नहीं वो हट सकती हैं। इसलिए महिला सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया है कि जो सशक्तिकरण है उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन कैसे करना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन में जायज के साथ में नाजायज चीज़ें भी, क्या सही है और क्या गलत है, कभी कभी इसका गलत यूज भी कर लिया जाता है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको इसकी ताकतें लिख देनी है, फिर इसके दो स्तर लिख देने हैं और किसके क्या मतलब निकलते हैं सशक्तिकरण के, किन चीजों में ये लागू हो सकता है, ये आपको कर लिख देना है। अब हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि बालिकाओं को शैक्षिक रूप से सशक्त करने में संविधान के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। बालिकाएं जो हैं और शैक्षिक रूप से सशक्त हो, यानी एजुकेशन के रूप में सशक्त हो, मजबूत हो, उनके पास पावर हो, तो वो क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, संविधान का आदेश क्या कहता है। तो संविधान के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को प्रस्तावित किया है जो शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब देख लेते हैं कि ऐसे क्या प्रावधान हैं जो शिक्षा को प्रभावित करता है। इसमें आपको पूरे शिक्षा से संबंधित ही अनुच्छेद लिखने होंगे, जैसे कि अनुच्छेद 45 शिक्षा की जिम्मेदारी,
अप्रत्यक्ष राज्य के ऊपर आरोपित करता है। राज्य को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 10 वर्ष के भीतर निःशुल्क और व्यवहार शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जवाबदेह बनाया गया है। देखिए ये आंसर मिल गया, कल मैंने एमसीक्यू डाला था जिसमें शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी कही गई थी, उसमें आंसर टीचर का था। मैंने कहा था कि उसमें आंसर टीचर नहीं होगा, अध्यापक नहीं हो सकता, राज्य का हो सकता है। और देखिए यहाँ पे भी है कि अनुच्छेद 45 शिक्षा की जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य के ऊपर होती है। क्या जिम्मेदारी होती है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बालक होते हैं उनको क्या करना है, 10 वर्ष के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी होती है। ये सबसे पहले राज्य की रिस्पांसिबिलिटी होती है। केंद्र जो है रूल बनाती है और राज्यों के ऊपर लागू करती है कि आपको अपने राज्य में लागू करने हैं। फिर देख लेते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है तो यहाँ पे संसाधन तक पहुंच बनाने के संदर्भ में लिंग आधारित जेंडर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद जो 15 है, इन अनुच्छेदों को भी याद कर लीजिएगा क्योंकि अनुच्छेद भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 15 जो ये कहता है कि संसाधन तक पहुंच बनाने के लिए, जनरली लोग क्या कहते हैं कि जो संसाधन होते हैं, जब हम देख के आए कि 3 तरह के संसाधन होते हैं, उन पर व्यक्ति विशेष का वर्चस्व स्थापित हो जाता है, ठीक है ना। तो और जेंडर आधारित भेदभाव, यानी जो मैंने अभी कहा लड़का लड़की वाली जो मैंने भेदभाव कहा कि जो पैतृक संपत्ति होती है जनरली लड़कों के लिए दी जाती है, तो वो एक भेदभाव है, तो उस पे भी प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 15, ठीक है। अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है, महिलाओं और बच्चों के हितार्थ के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए राज्य को अधिकार देता है और इसके परिणाम स्वरूप लड़कियों की शिक्षा की पहुंच का विस्तार करने की प्रक्रिया और शर्तों में छूट और विशेष आवंटन प्राप्त हुए हैं। तो अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव मिटाता है किस चीज पे, संसाधन तक पहुंच बनाने के लिए जेंडर भेदभाव मिटाता है अनुच्छेद 15, इतना याद रख लीजिए। और अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है कि राज्य को अधिकार देता है, ये अधिकार राज्य को दिए गए कि महिला और बच्चों पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको दूर किया जाए, खास तौर पे लड़कियों के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, कि शिक्षा जो है लड़कियों तक पहुंचाई जाए। जनरली बहुत जगह ऐसी स्कूलें तो होती हैं लेकिन बहुत दूर होती है जहां लड़कियां जा नहीं सकती हैं, तो स्कूल को लड़कियों को स्कूल तक ना जाना पड़े बल्कि जो स्कूल है वो लड़कियों तक चल के आए, ये सुविधा करनी चाहिए राज्य को। और भारत ने 1980 में अंतरराष्ट्रीय समझौता जो किया था CEDAW, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, कमिटेड ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी इस पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था ये सन भी याद रखिएगा थोड़ा सा, 1980 में हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय समझौता जो है CEDAW कब है लागू हुआ या कब भारत इस पर समझौते पे हस्ताक्षर किए थे, तो 1980 में किए थे। और ये जो किस लिए किया गया है, इसका मतलब क्या होता है, राज्य को जेंडर भेदभाव को समाप्त करने के लिए उचित वैधानिक और अन्य कदम उठाने के लिए बाध्य करता है और शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए समान अवसर समान पहुंच को सुनिश्चित करता है। यानी कि जो एक राज्य का कर्तव्य होता है कि जो जेंडर भेदभाव किया जा रहा है उसको खत्म करे, और दूसरी बात जो लड़कियों तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है उसको भी लड़कियों तक शिक्षा को पहुंचाए, ये जो काम है ये CEDAW जो कि 1980 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था उसके अधीन राज्य के अधिकार दिए गए हैं, संविधान ने दिए हैं। भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो RTE 2009 है को पास किया, जो 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस RTE के अधीन 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, तो 2009 के, ठीक है ना। और इस प्रकार इस अधिनियम के साथ सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया तथा यह माता पिता और राज्य की जिम्मेदारी है कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। देखिए मैंने उससे जो MCQ था उसमें मैंने कहा था कि अध्यापक बिल्कुल नहीं हो सकता, माता पिता राज्य हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए कि ये सभी, और बिल्कुल सही है वहाँ पे ऑप्शन ये सभी होना चाहिए जिसमें माता पिता राज्य और अध्यापक भी होता है, तो ये सभी ऑप्शन वहाँ पे बिल्कुल सही होगा। यदि राज्य भी दिया है और ये सभी नीचे दिया है तो ये सभी भी ऑप्शन आपके सही होंगे। तो ये जो आपका है RTE 2009 है उसमें ये कहा गया है कि राज्य के साथ साथ में माता पिता और राज्य की जिम्मेदारी होती है कि जो बच्चों को है शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो ये हुआ आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि बालिका सशक्तिकरण के लिए संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की चर्चा करना है। तो देखिए यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम उन लड़कियों के लिए है जिन तक पहुंच अत्यंत कठिन है और विशेषकर वे जो विद्यालय से बाहर हैं। 2003 में सर्व शिक्षा अभियान के एक भाग के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में जहां ग्रामीण बालिकाओं की साक्षरता दर
का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है तथा जेंडर अंतर राष्ट्रीय औसत से ऊपर किया गया है। 24 राज्यों के 3,272 ब्लॉकों में इस कार्यक्रम को चलाया गया और इस कार्यक्रम का लक्ष्य है विद्यालय में लड़कियों को रोकने और अधिगम की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। लड़कियों की शिक्षा में व्यय किए जा रहे राष्ट्र के अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराता है। तो देखिए, हम अभी पढ़ रहे हैं आपका कि जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी, ठीक है ना, आपकी जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय कार्यक्रम की चर्चा करें प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए, तो इसमें आपको वही लिखना है कि 2003 में सर्व शिक्षा अभियान जो है उसको चलाया गया था और ये मेन जो था जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉक है जहाँ पे ग्रामीण बच्चे हैं, खासतौर पर बालिकाएं हैं और जो पढ़ नहीं पाती हैं, जिन जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाती है उनको पढ़ने की पूरी सुविधाएँ जो है उपलब्ध कराई जाए। और इसका मेन जो लक्ष्य था वो था कि विद्यालय में लड़कियों को रोकने और अधिगम गुणवत्ता को बेहतर बनाना, कि लड़कियां नाम तो लिखा लेती थी लेकिन विद्यालय नहीं जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, विद्यालय तक लड़कियां जाएं, डेली स्कूल आएं और पढ़ें, ठीक है ना, और लड़कियों की शिक्षा में व्यय किए जा रहे रात के अतिरिक्त शांत उपलब्ध कराना था। तो जो ये कार्यक्रम है प्रत्येक क्लस्टर में चलाए जाते हैं और आदर्श विद्यालय के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराते हैं। इनमें क्या क्या होता है, जैसे लड़कियों के प्रवेश पर सख्त निगरानी की जाती है, समुदाय एकत्रीकरण किया जाता है, अध्यापकों को जेंडर संवेदनशीलता बढ़ाना होता है, जेंडर संवेदनशीलता अधिगम सामग्रियों का विकास करना और आवश्यकता आधारित लाभ जैसे सुरक्षा किताब कापियां आदि का प्रावधान कराना भी इस राष्ट्रीय शिक्षा का मुख्य काम होता है। अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान, धीमी गति से सीखने वालों के लिए सुधारात्मक शिक्षा, जो बच्चे बहुत धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए, और लड़कियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग होती है वो भी देना, और CCE यानी चाइल्ड केयर सेंटर यानी बाल रक्षा केंद्र की सहायता संरचना के रूप में तो इसकी भी स्थापना करना, और महिलाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहयोग और सहायता के लिए द्वारा जो ग्राम स्तर पर विद्यालय विकास एवं निरीक्षण समिति का मासिक बैठक का आयोजन करना, ये सभी चीज़ें यानी शिक्षा का विभाग से हम PTM बोलते हैं वो चीज़ करना, यहाँ पे PTA है, और PTA यानी शिक्षा का विभाग जो टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है तो PTM वो होता है बैठक, और माता पिता शिक्षक संघ यानी MTA बैठक आयोजित कराना, ये सभी काम होते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में, इसमें 3 क्वेश्चन और है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और PDF भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवा देंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को देखिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर इसको हम इस वीडियो में डालेंगे तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।